हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं झारखंड का खनिज। इससे पहले हम पढ़ाए थे तो झारखंड का सिंचाई प्रणाली, उससे पहले पढ़ाए थे तो झारखंड का नदी, झारखंड का गर्म जलकुंड, झारखंड का जलप्रपात। इसी प्रकार हम झारखंड का टोटल के टोटल हम आपको सब मतलब क्लियर चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको क्लियर करवाते जाएंगे। और फ्रेंड, मेरा वीडियो देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में टोटल क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपसे कितना सही हो रहा है, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं झारखंड का खनिज संसाधन, तो टोटल हम आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे। कितना क्वेश्चन करवाएंगे? तो 40 क्वेश्चन करवाएंगे झारखंड का खनिज संसाधन से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। झारखंड राज्य में लोहा अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। सिंहभूम में, मानभूमि क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में, कोडरमा क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो सिंहभूम क्षेत्र में, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल में, है ना। एक सेकंड, इसको हाईलाइट कर देते हैं सर। तो सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो सिंहभूम क्षेत्र में, नोवा मुड़ी प्रसिद्ध है बॉक्साइड हेतु, अभ्रक हेतु, कोयला हेतु, लोहा अयस्क हेतु। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी लोहा अयस्क हेतु। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाई जाती है जाता है झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? सरायकेला क्षेत्र में, धनबाद क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में, हजारीबाग क्षेत्र में। तो क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका हजारीबाग क्षेत्र में, है ना। आते हैं अगला सवाल में। लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? तो लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार हेतु जाना जाता है? कोयला, लोहा अयस्क, बॉक्साइड, यूरेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी बॉक्साइड, है ना, बॉक्साइड। अब हम आते हैं अगला सवाल में। झारखंड राज्य के किस जिला में इलिमेनाइट पाया जाता है? पलामू, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा पंचमा का, तो बी नंबर, यानी रांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? तो रांची हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल छठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। झुमरी तिलैया नामक स्थान प्रसिद्ध है, अभ्रक हेतु प्रसिद्ध है। झुमरी तिलैया नामक स्थान अभ्रक हेतु प्रसिद्ध है, है ना। झारखंड का लिप्सबुरु जाना जाता है ग्रेफाइट के लिए, डोलोमाइट के लिए, काइनाइट के लिए, या एस्बेस्टस के लिए। तो काइनाइट के लिए जाना जाता है ना, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। झारखंड लिप्सबुरु काइनाइट के लिए जाना जाता है। काइनाइट के लिए जाना जाता है। आते हैं अंठवा नंबर क्वेश्चन। झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कोयला का भंडार, यूरेनियम के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार, या थेरियम का भंडार। बताइए, सबसे इजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला का भंडार, है ना। झरिया में किसके लिए प्रचलित है? तो कोयला का भंडार। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला के प्राप्ति होता है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला के प्राप्ति होता है धनबाद से, लातेहार से, चतरा से, या बोकारो से। तो नौवां का आंसर हो जाएगा आपका, तो डी नंबर, यानी बोकारो से। राउरकेला का कहाँ से मतलब प्राप्त होता है कोयला? तो बोकारो से। आते हैं अगला सवाल में। एक सेकंड,
झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? झारखंड का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम, थोरियम, डोलोमाइट, यूरेनियम या स्वर्ण। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो यूरेनियम हो जाएगा, है ना, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। इसमें ऑप्शन हम ये कर दिए हैं, ऊपर नीचे हो गया है। इसका जो आंसर होगा आपका तो आंसर होगा बी नंबर, यानी यूरेनियम। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोला है झारखंड के किस जिला को देश की अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है? सरायकेला खरसावां, रांची, हजारीबाग, कोडरमा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो हो जाएगा कोडरमा। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड राज्य में देश का कुल पायराइट उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? झारखंड राज्य में देश के कुल पायराइट का उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 40%, 60%, 80% या 95%? जो पायराइट है उत्पादन झारखंड राज्य में देश का कुल 95% उत्पादित होते हैं ना, यानी पायराइट 95% कहाँ होता है? तो झारखंड में। देश का कुल अबरक उत्पादन में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? देश का कुल अबरक उत्पादन में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तीस प्रतिशत, 40%, 60 या 80? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 60%। आते हैं हम अगला सवाल में। तो देश के कुल बॉक्साइड उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी कितना है? देश के कुल बॉक्साइड उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी कितना है? 20%, 32%, 55% या 65%? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 32%, यानी 32% आपका झारखंड में होता है, वो इंडिया का। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। तो देश का कुल ग्रेफाइट उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? कितना है? तो 23%, 33%, 43 या 53%? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो बी नंबर हो जाएगा, यानी 33%। कितना हो जाएगा? तो 33%। क्या? तो आपका ग्रेफाइट। आते हैं हम अगला सवाल 16 नंबर में। तो देश के कुल तांबे उत्पाद में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? मतलब कितना है, तो कितना प्रतिशत है? इसका जो आंसर हो जाएगा बोलिए 20, 33, 46 या 60? तो ये भी आपका 33% है, यानी ग्रेफाइट भी 33% है और इसके अलावे तांबा भी आपका 33% है। आते हैं हम अगला सवाल में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो देश के कुल काइनाइट उत्पादन में झारखंड राज्य का भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो 30, 40%, 50, 60? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 30%। ठीक है, प्रतिशत से बराबर क्वेश्चन पूछ देता है कि किसका कितना प्रतिशत है झारखंड में। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रतिशत क्या रहा है इसको याद करने का, VBI है। देश के कुल लोहा अयस्क उत्पादन में झारखंड राज्य की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बताइए 10%, 20%, 30 या 40? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 20% है ना।
आते हैं हम अगला सवाल में, तो निम्न में से किस खनिज के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश का प्रथम स्थान है? निम्न में किस खनिज के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य देश का प्रथम स्थान है? फास्फेट, ग्रेफाइट, लोहा या यूरेनियम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम। यूरेनियम में झारखंड पहला नंबर पे है। यूरेनियम में झारखंड केवल नंबर पे है, तो पहला नंबर पे है। आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, तो लोहा अयस्क निक्षेप की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चिड़िया नामक स्थान झारखंड के किस जिला में है? लोहा अयस्क निक्षेप की दृष्टि से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला चिड़िया नामक स्थान झारखंड के किस जिला में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बताइए 20 का, तो पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम या कोडरमा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी सिंहभूम। आते हैं अगला सवाल में, तो झारखंड में मुख्यतः किस वर्ग का लोहा अयस्क मिलता है, बताइए? मैग्नेटाइट, लिमनेटाइट, सीडेराइट या हेमेटाइट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका किसका, तो किसका आंसर हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा, है ना? किसका आंसर कितना हो जाएगा, तो डी नंबर यानी हेमेटाइट, है ना? आते हैं अगला सवाल में, झारखंड राज्य का जो हातु नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य का जोजहातु नामक स्थान किस खनिज के निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? लोहा अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमाइट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 22 का आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा क्रोमाइट, है ना? क्रोमाइट हेतु प्रसिद्ध है। आते हैं अगला सवाल में, झारखंड का घाटाशील नामक स्थान खनिज संसाधन हेतु प्रख्यात है, बॉक्साइट, टंगस्टन, तांबा या टीना? तो घाटाशील किसके लिए है, तो तांबा के लिए, है ना? तांबा के लिए। घाटाशील तांबा के लिए। झारखंड का लोहरदगा नामक स्थान किस खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है? तो बॉक्साइट, कोयला, टीना या जस्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, है ना? इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। झारखंड के किस जिला में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए? झारखंड के किस जिला में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा, है ना? यानी हजारीबाग। आते हैं अगला सवाल में, झारखंड का तिलैया नामक स्थान निम्न में किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? चूना पत्थर,
एस्बेस्टस, बॉक्साइड या ब्रक। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो हो जाएगा डी नंबर, यानी 26 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अगला सवाल में। तो अगला सवाल है मेरा, झारखंड के किस स्थान पर काइनाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। झारखंड के किस स्थान पर काइनाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो 27 का आंसर बताइए, सिकनी, लिप्सबुरु, सिंदरी या झरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी लिप्सबुरु है ना। आते हैं अगला सवाल में। तो निम्न में से किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है। निम्न में से किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है जो झारखंड में विरुद्ध पैमान पर पाया जाता है, है ना। तो कोयला, काइनाइट, क्रोमाइट या ग्रेफाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 28 का तो हो जाएगा आपका तो ग्रेफाइट है ना। ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। तो झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलामाइट पाया जाता है। मेदिनीनगर, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा। तो 29 का जो आंसर आपका हो जाएगा तो हो जाएगा मेदिनीनगर। कहाँ हो जाएगा आंसर, तो मेदिनीनगर। आते हैं हम अगला क्वेश्चन में। तो झारखंड के किस जिले में बेटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है। तो बेटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है तो गोड्डा, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, पाकुड़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका तो हो जाएगा बी नंबर, यानी साहेबगंज। आते हैं हम अगला सवाल में। तो उड़ीसा के राउरकेला इस्पात कारखाना को झारखंड के किस क्षेत्र में कोयला का सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है, बताइए। उड़ीसा के राउरकेला के इस्पात कारखाना को झारखंड के किस क्षेत्र से कोयला की सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है। तो लातेहार, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बोकारो हो जाएगा, यानी सी नंबर। आते हैं हम अगला सवाल में। तो झारखंड में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है। विटामिन, एंथोसाइड, लिग्नाइट या ए बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो डी नंबर, यानी ए बी दोनों, यानी विटामिन भी एंथोसाइड, यानी दोनों पाया जाता है ना, विटामिन और एंथोसाइड, है ना। आते हैं 33 नंबर में। उत्पाद की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है। पतरातु, सिकनी, झरिया या कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो सी नंबर, यानी झरिया हो जाएगा आंसर। आते हैं हम अगला सवाल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का, ये तो हम बता दिए झरिया, नहीं ये अलग हो जाए। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो झरिया है ना। एक सेकंड। उत्पाद की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो झरिया है ना। हम पढ़े बढ़िया से, तो उत्पाद की दृष्टि से कौन है, तो झरिया है। और क्षेत्रफल से बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो हो जाएगा इसका आंसर कानपुर हो जाएगा, कर्णपुर है ना।
इसका आंसर हो जाएगा कर्णपुर। इसमें हम गलती किए बोलने में, तो माफ कीजिएगा आप लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पाद की दृष्टि से बोले तो झरिया हो जाएगा। उत्पाद बोले कि उत्पाद की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन है, तो झरिया हो जाएगा। उत्पाद की दृष्टि से बोले, अरे यही क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो कर्णपुर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है, मतलब कोयला क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, तो कर्णपुर हो जाएगा, है ना, कर्णपुरा। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, तो झारखंड की निम्न में से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक की सहायता से की जा रहा है। झारखंड की निम्न में से कौन सा कोयला परियोजना संचालन विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। रजरप्पा, राजमहल, कतरास या उपयुक्त सभी। तो 35 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। जादूगोड़ा, ढाल भूमिगढ़, बगजात या उपयुक्त सभी। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है। आते हैं हम अगला सवाल में, झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा किस जिला में, जिला के अंतर्गत आता है। झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा किस जिला के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाए, बोलिए, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज या गिरिडीह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा कहाँ आता है, पूर्वी सिंहभूम जिला में। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिला में थोरियम का भंडार पाया जाता है। गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद या हजारीबाग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो धनबाद हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर नीचे हो गया है, यानी हम ए वाला ऑप्शन ऊपर लिख दिए, सी वाला ऑप्शन ऊपर लिख दिए हैं, बी वाला नीचे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। थोरियम का भंडार कहाँ, धनबाद। इलेमेनाइट नामक आणविक खनिज झारखंड के किस जिला में पाया जाता है। धनबाद, लोहरदगा, गोड्डा या रांची। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो रांची हो जाएगा। अब आते हैं आज का लास्ट सवाल, तो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमलित नहीं है, कौन सा सुमलित नहीं है बोल रहा है ना। तो सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी लातेहार ये सही है, कैनाइट परियोजना, बहरगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम ये भी सही है, ग्रेनाइट प्लोसिंग उद्योग, तुप्पूजाना, रांची ये भी सही है, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, पिंकी पलामो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी ऊपर वाला जो तीनों ऑप्शन है वो सही है और ये गलत है। और फ्रेंड एक मतलब जैसे झारखंड का बोले सर्वाधिक कोयला उत्पाद के दृष्टि से, तो झरिया हो जाएगा। और क्वेश्चन बोल दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन हो जाएगा, तो कर्ण पूरा हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड वगैरह तो व्हाट्सअप फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, है ना, लिंक को। तो फ्रेंड थैंक यू कीजिए।